We talk about the isomer means total isomer, or we also calculate in this alkyl group of some compounds. This is the basic parts of isomer calculation. अगर अपन बात करते हैं CH4 की, किसकी CH4 की, तो CH4 का एक ही isomer होता है और alkyl group कितना एक ही, तो अपन को याद आएगा CH4 का alkyl group कितना एक ही, मतलब एल्काइल ग्रुप वो ग्रुप जिसमें से एक एच हटा दिया अपन ने और कुछ और ग्रुप लगा दिया। जैसे अब इसमें अपन ने Cl ऐड करा तो ये CH3Cl हो गया, तो ये एक ही टाइप का कंपाउंड बनेगा, ये अकेला एक आइसोमर है, ठीक है। अगर CH3CH3 की बात करेंगे तो इसमें से भी अपन एच यहाँ से हटाए या इस वाले कार्बन से हटाए, बात एक ही है, तो इसका भी कितना टाइप का आइसोमर बनेगा, एक ही टाइप का। अगर अपन बात करते हैं C3H8 की, दैट इज कॉल्ड एज C3H8, इसमें से अपन अगर H हटाते हैं तो इसके अपन को दो एल्काइल ग्रुप बनेंगे, एक पहली पोजीशन से एक दूसरी पोजीशन से अगर H हटाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ऐसे अपन बात करते हैं C4H10 की, C4H10 में एक है ब्यूटेन एक है आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द पैरेंट चेन इज 4, और एक होता है आइसोब्यूटेन मींस N-1, C4H10 दैट इज अ फॉर्मूला, तो कार्बन इज 4, सो 4-1 करा कितना बचा 3, तो आइसो में 3 कार्बन पैरेंट चेन में लगा दिए, बचे हुए को एक छोड़ के दूसरे कार्बन पे लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। अगर मैं इसके एल्काइल ग्रुप की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ एल्काइल ग्रुप की, तो मैं इसमें से एच कहाँ कहाँ से हटा सकता हूँ, एक इस पोजिशन से हटा सकता हूँ तो ये बनेगा, अगर यहाँ से हटाया तो ये बन जाएगा, तो इसमें टोटल एल्काइल ग्रुप कितने बनेंगे नॉर्मल ब्यूटेन में 2। अगर मैं आइसो की बात करता हूँ, तो इसमें भी कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे, अब ये देखो अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो एक ये बनेगा, अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो एक ये बनेगा, तो अपन को समझ में आया टोटल एल्काइल ग्रुप कितने बनेंगे C4H10 के। अगर मैं एल्काइल ग्रुप की बात करूँगा मतलब माइनस एच C4H9 फ्री वैलेंसी, तो इसके टोटल एल्काइल ग्रुप कितने बने 4, और C4H10 के आइसोमर कितने बने 2, 2 तो क्या है आइसोमर और 4 क्या है एल्काइल ग्रुप। आइसोमर मतलब सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, व्हाट इज आइसोमर, आइसोमर इज नथिंग बट सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं पेंटेन की, जब मैं बात कर रहा हूँ पेंटेन की तो पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12, जब C5H12 की बात करी तो कितने कार्बन 5 कार्बन पेरेंट चेन में लगा दिए। अब सर जब इसके एल्काइल ग्रुप बताने हैं तो कौन कौन से बना सकते हैं, एक मैंने यहाँ से हटा दिया, एक यहाँ से हटाया, एक यहाँ से हटाया, पहले अगर यहाँ से हटाऊंगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा, अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये इस टाइप का बनेगा, अगर यहाँ से बनाऊंगा तो इस टाइप का बनेगा, तो नॉर्मल पेंटेन के 3 एल्काइल ग्रुप बने 1, 2, 3, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट आइसोपेंटेन, अगर मैं बात करता हूँ आइसोपेंटेन की तो आइसोपेंटेन का फॉर्मूला होता है N-1, टोटल नंबर ऑफ कार्बन -1, तो 5 कार्बन है -1 करा बचे 4, 4 को पेरेंट चेन में लगाया, बचे हुए एक कार्बन को पहला छोड़ा दूसरे पे झुमका लगाया, माइनस एच करा, जब मैंने इसमें माइनस एच करा कहाँ कहाँ से कर सकता हूँ सर, तो अब ये देखते हैं, आओ देखें अगर यहाँ से हटाऊंगा तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। सर यहाँ से भी हटा सकते हैं आप, तो दोनों डिफरेंट या सेम, मैंने कहा सर डिफरेंट, तो एक ये बना एक ये बना, अगर यहाँ से हटाया तो कुछ इस टाइप का एल्काइल ग्रुप बना, अगर यहाँ से हटाया तो कुछ इस टाइप का एल्काइल ग्रुप बना, तो मेरे को दिखा कि आइसोपेंटेन के 4 एल्काइल ग्रुप 1, 2, 3, 4 कहाँ कहाँ से हटा सकते हैं अपन, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से। नाउ अपन बात करते हैं इसी में सर नियोपेंटेन की भी, किसकी नियोपेंटेन, सर नियोपेंटेन क्या होता है N-2, और नियो चालू भी पेंटेन से होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 -2,
बचे तीन, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन सर? तीन कार्बन, बचे हुए दो को ऊपर नीचे लगा दो सर। अब इसका एल्काइल ग्रुप बनाना मतलब माइनस एच, तो सर मैं इसका एल्काइल ग्रुप क्या बना सकता हूँ? तो ये इसका एल्काइल ग्रुप बनेगा, और इसका टोटल एल्काइल ग्रुप होता है वन, कितना? नियो पेंटेन का वन। मैं केवल यहां से हटाऊ, अगर मैं बात करूं यहां से हटाऊ, यहां से हटाऊ, यहां से हटाऊ, यहां से हटाऊ, सब एक ही है, तो कहीं एक से भी हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें पेंटेन के आइसोमर, किसके? पेंटेन के आइसोमर, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर कितने हो गए? नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन, ठीक है। तो टोटल स्ट्रक्चर कितने? तीन आइसोमर, बट एल्काइल ग्रुप कितने? फ्री वैलेंसी वाले, वो कितने सर? एट। आई होप नाउ यू आर वेरी क्लियर विद दिस। थैंक यू सो मच।